नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। आज हम ग्राम बरंडुआ में केवट मोहल्ला में हैं और यहाँ पर आज दिनांक 12 फरवरी 2023 को विकास यात्रा निकल रही है, लेकिन विकास यात्रा मुख्य मार्ग से निकलेगी। ग्रामीण मेरे साथ हैं और उनकी समस्याएं देखते ही बन रही है, और ये समस्या किसी एक गांव की नहीं है, ये मध्य प्रदेश के सभी गांवों की समस्या है। आप देख सकते हैं ये मुख्य मार्ग है माँ नामदा के स्थल पर जाने का, और यहां से परिक्रमावासी ही जाते हैं और गांव के जो निवासी हैं अगर उन्हें नामदा स्नान करना होता है तो इसी मार्ग से उन्हें जाना होता है, और वापस जब स्नान करके लौटते हैं इसी मार्ग से ही वापस आना है, अन्य कोई मार्ग यहाँ पर नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर रोड तो बनी हुई है, लेकिन रोड पर किस तरीके का गंदगी, स्वच्छ भारत अभियान की क्या धज्जियाँ उड़ रही है यहाँ पर, वो सबको दिख रहा है। नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, बेशक नाली का पैसा आया होगा लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज मेरे साथ यहाँ के ग्रामवासी मौजूद हैं, माताएं हैं। मैं सबसे पहले माताओं से पूछना चाहूंगा, माताएं कैसी समस्याएं हो रही है और आपने इसके लिए क्या किया? आपने यहाँ पे जो नए सरपंच बने हैं उनके पास में कोई अर्जी दी या उन्हें बोला? हाँ बोली तो है, बोली चार बार बोल चुके हैं हम। हाँ सचिव सरपंच से हमारा मार्ग बहुत गड़बड़ चल रहा है, हमको क्या गाड़ी वाहन से क्या पैदल भी निकलते नहीं बनता, कैसे निकल लेंगे, क्या चाहते क्या बोल रहे हैं, हाँ करवा देंगे बस ऐसे कहते, और फिर खाते कुछ न कुछ। तो पैसा वगैरह आया नहीं क्या पंचायत में, क्या हुआ? ऐसे ऐसे समाज में सब निकाले को खा दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर समस्याएं किस तरीके की भयंकर समस्याएं हैं, और ये इधर ही साइड का नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। अगर नर्मदा जी साहब के तट रास्ता है तट तक हम जाएंगे तो इससे विकट परिस्थिति देखने को मिलेगी। आपके पीछे भी दिखाएंगे, उस साइड भी दिखा दीजिए, ऐसा नहीं है कि लोग बोले कि मेरे इसमें भी क्या है, आप आगे तक का दिखाइए। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पंच सरपंच बस सो रहे हैं, अपनी सत्ता करना है, राज करना है, और वोट ले लिए, वोट के बाद में भूल गए। मेरा निवेदन है यहाँ की सरकार से, यहाँ के विधायक से, सरपंच से, कि आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें, अन्यथा मैं ग्रामवासियों के साथ में विधायक जी के घर का घेराव करूंगा। जय हिंद। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।